स्वागत है आपका कार देखो में और व्हाट यू शुड नो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हम टोयोटा की एक ऐसी एसयूवी के बारे में बात करेंगे जो पूरे मार्केट को हिला के रख देने का दम रखती है। तो चलिए इस एसयूवी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानते हैं। टोयोटा की इस नई एसयूवी का कोड नेम है D22, लेकिन जब ये मार्केट में लॉन्च होगी तो मैं और आप इसको हाई राइडर बुलाएंगे। ये एक मिड साइज एसयूवी होने वाली है जो कम्पीट करेगी क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगुन और एस्टर जैसी गाड़ियों के साथ। अब इतने टफ राइवल से कम्पीट करना है तो भाई कुछ ना कुछ स्टैंड आउट तो करना ही पड़ेगा, और इस वजह से ये टोयोटा की एसयूवी पहली होगी सेगमेंट में जो आपको एक हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन देगी। जी हाँ, टोयोटा इसमें एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देगा, लेकिन दो वर्जन्स के साथ। एक है माइल्ड हाइब्रिड जो हमने पहले भी कुछ हैचबैक्स में देखा है, और एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो अभी अभी हमने होंडा सिटी EHEV में देखा था। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट होने वाला है ऑल व्हील ड्राइव। जी हाँ, ये चीज डस्टर ऑल व्हील ड्राइव के इस सेगमेंट में डिसकंटिन्यू होने के बाद से ही मिसिंग है। अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वहां पे टोयोटा देगा अपना ECVT गियरबॉक्स फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब अगर सूत्रों की माने तो ये सुनने में आ रहा है कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बनाएगा 100 हॉर्स पावर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम बनाएगा 120 हॉर्स पावर, लेकिन इस SUV में आपको कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइनली एक ऑब्वियस सवाल, ये SUV लॉन्च कब होगी? टोयोटा इसको इंडिया में 1 जुलाई को अनवील करेगा और लॉन्च भी जुलाई या अगस्त के महीने में ही हो जाना चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगी 10 से 20 लाख रुपए के बीच में, ऐसी हमें उम्मीद है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस SUV से और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप इसमें देखना चाहेंगे, जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। और हाई राइडर और बाकी सभी अपकमिंग कार्स के कॉन्स्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें कार देखो, भरोसा करके देखो।